दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का हर एक शख्स पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है, तो वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो कि पब्लिसिटी पाने के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा देते हैं। उन्हीं में से एक है राखी सावंत। वैसे तो राखी अपने बेबाक बयानों और साथ ही अपने नौटंकी की वजह से जनता के साथ साथ बॉलीवुड को भी एंटरटेन करती हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि राखी सावंत की कही गई बातें उन पर ही भारी पड़ जाती हैं। पर इस बार राखी सावंत को लेकर जो नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो राखी सावंत की सेहत को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो राखी सावंत हमेशा से ही बॉलीवुड और जनता को एंटरटेन करती हैं, पर खबरें आ रही हैं कि राखी सावंत अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसी अपडेट इस वक्त सोशल मीडिया के साथ साथ मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है, पर इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने की देर थी। राखी सावंत ने लाइव आकर इस बात की जानकारी दी कि वो सेहतमंद है और अपने घर पर हष्ट पुष्ट खा पी रही है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो राखी ये चाहती हैं कि उनके बारे में बात हो, तो हो सकता है कि राखी सावंत ने ही इस बात को हवा दी हो। जैसे ही राखी सावंत इंस्टाग्राम पर लाइव आई, वो मुस्कुराते हुए फैंस से ये कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मुझे चाहने वाले लोग इतने हैं। मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पर खुशी की बात यह है कि मैं इस दुनिया में हूँ और उन सभी के श्रद्धांजलि को एक एक करके पढ़ भी रही हूँ। आपको बता दूँ कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई तो है जो मेरे पीछे रोने वाला है। दोस्तों, राखी सावंत ने अपने इस दुनिया से चले जाने की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, उल्टा उस पर मजे लेते हुए नजर आई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राखी सावंत क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री की सचमुच जान है? क्या सचमुच राखी सावंत की वजह से बॉलीवुड और जनता एंटरटेन होती है? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।